ਤੱਕਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਵਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰਾ ਇੰਜ ਸ਼ਰਮਾਉਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਥਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अ वेरी इजी टू डू स्मोकी आईज मेकअप ट्यूटोरियल। सो अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो भी आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। ऑल्सो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि योर स्मोकी आईज विल टर्न आउट रियली परफेक्ट एंड नॉट लाइक पांडा आईज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले गाइज, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब देन प्लीज डू, इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड इट रियली मोटिवेट्स मी टू ब्रिंग मोर वीडियोज फॉर यू। और वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप विच इज़ गोइंग टू बी आईब्रोज। सो आईब्रोज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का आईब्रो केक, जो कि मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है फॉर आईब्रोज। तो पहले मैं फिल इन करूँगी एंड देन ब्रश आउट कर लूँगी। उसके बाद हम अपनी आईज को प्राइम करेंगे। सो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वेट इन वाइल्ड का कंसीलर। सो आप हल्का सा लाइट कलर का ही कंसीलर हमेशा यूज़ करिए टू प्राइम योर आईलिड्स, ताकि आपका जो भी आई शैडो कलर है वो ज़्यादा पॉप करेगा। सो गाइज, नेक्स्ट स्टेप होने वाला है काजल। सो यहाँ पे मैंने लिया है L18 का काजल। सो मैं इसको स्लाइटली अप्लाई कर लूँगी। आपको बहुत परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हम इसको स्मच करने वाले हैं। नाउ द फर्स्ट टिप इज़ कि जब भी आप स्मोकी आइज़ के लिए काजल चूज़ करें तो वो एक जेल काजल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जेल काजल ईजिली स्मज नहीं होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे उस काजल को स्मच कर रही हूँ। तो कोई भी आपका काजल जो बहुत ईजिली फैल जाता है और आप उसको यूज़ नहीं करते हो, वो यूज़ करो, बिकॉज हमें ऐसा काजल चाहिए जो ईजिली स्मच हो। सो यहाँ पर मैं अब एक ब्लैक आई शेडो ले रही हूँ और मैं उस आई शैडो को अपनी अपर लैश लाइन के पास ही अप्लाई करूँगी और उससे अपनी क्रीज के पास बिल्कुल भी नहीं लेके जाऊँगी, अदरवाइज माई आईज़ विल लुक लाइक पांडा आईज़। सो दिस इज़ योर टिप नंबर टू कि स्मोकी आईज़ में ब्लैक कलर को बिल्कुल भी क्रीज के ऊपर ना लेके जाइएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लूँगी ये ब्राउन कलर और इससे अब मैं ब्लेंड करूँगी। सो आपको एक लाइटर कलर लेना है और एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है। सिर्फ ब्लैक से ही पूरा लुक अगर हम करेंगे तो बहुत ही ब्लैंड सा लगेगा, बट हम यहाँ पर ब्राउन कलर लेके उसको ब्लेंड करेंगे ताकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन आ जाए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो अभी इस लुक को देख के आप जज मत करो, वेट टिल द एंड फॉर द फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लश पैलेट में से जो कोरल कलर होता है वो लिया है और अब मैं ऊपर की तरफ, यानी कि ब्राउन कलर के ऊपर, अब मैं उस कोरल कलर को अप्लाई करके अपनी क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ। सो ब्लेंडिंग 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 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गुड स्मोकी आईज। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाइट कलर है। सो सबसे ऊपर, यानी कि उस कोरल कलर के ऊपर, अब मैं ये वाइट कलर लगाऊंगी और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि आई मेक श्योर दैट कोई भी हार्श लाइन ना हो और सब कुछ ब्यूटिफुली ब्लेंडेड हो। तो अब मैंने लैशेज अप्लाई कर लिए हैं एंड इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन। ऑल्सो गाइज, काजल जो मैंने अप्लाई किया तो उसके ऊपर एक पाउडर यानी कि आई शेडो अप्लाई करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो काजल क्रीज कर सकता है आपकी आईज़ के ऊपर। सो मैंने फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और अब मैं उसको ब्लेंड करूंगी विद द हेल्प ऑफ अ ब्यूटी ब्लेंडर। सो ऑल्सो अप्लाई द फाउंडेशन टू योर नेक, अदरवाइज नेक बहुत ऑड लगता है। सो उसके बाद अब मैं कंसील करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर। सो जब भी आप स्मोकी आईज़ करो तो हमेशा अपने अंडर आईज़ में एक हाईलाइटिंग कंसीलर ऐड करो, बिकॉज अगर आपका कंसीलर हाईलाइटिंग नहीं होगा तो आपका फेस डल लगेगा, बिकॉज आपकी आईज़ पे ऑलरेडी इतना ब्लैक है। सो हाईलाइटिंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट मैं अपना फेस सेट कर लूँगी। सो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का बनाना पाउडर। बहुत ही अच्छा, अफोर्डेबल और बहुत ही वर्दी पाउडर है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। सो मैं काइंड ऑफ बेकिंग अप कर रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली, बस थोड़ी देर के लिए रखूँगी एंड देन आई विल ब्रश इट आउट। मेरे जितने भी हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे, मेनली जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पर मैं फोकस कर रही हूँ पाउडर को, एंड मैंने डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा पाउडर ले लिया था यहाँ पर। सो मैं नेक पर भी अप्लाई करूँगी एंड देन एक बड़े फ्लफी ब्रश से मैं पूरे पाउडर को ब्लेंड आउट कर दूंगी अपने फेस के ऊपर, ताकि सब कुछ नाइस एंड ब्लेंडेड लगे। सो चाहे वो आईज़ हो या चाहे वो बेस हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड। सो उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्लश। तो जो मैंने कोरल कलर का ब्रश अपनी आईज़ पे अप्लाई किया था, वही ब्लश मैं अपने चीक्स पे भी अप्लाई कर रही हूँ। सो ये बहुत अच्छी एक ट्रिक है कि अगर आप अपने ब्लश के कलर को और अपने आईज़ के क्रीज के कलर को मैच करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है।
ब्लश आपके फेस में इंस्टेंटली लाइफ ऐड कर देता है. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ब्रॉन्जर. तो इसको मैं अपने जितने भी ब्रॉन्जिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड कलर टू योर फेस, टू ऐड डेप्थ टू योर फेस, अदरवाइज आपका फेस एकदम ब्लैंड लगेगा. सो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉन्टोरिंग नहीं कर रही हूँ, बट बस हल्की हल्की सी ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ ताकि मेरे फेस पे अच्छी सी डेप्थ आ जाए और मेरा फेस एकदम फ्लैट ना लगे. सो मैं जितने भी अपने ब्रॉन्जिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ. देन आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन मास्टर क्रोम lighter and guys just look at that glow, it is beautiful. This is one of my most favorite highlighters. जितने भी मेरे हाइलाइटिंग पॉइंट्स हैं मैं उन पर अप्लाई करूँगी. सो विद अ गुड स्मोकी आई, अ गुड हाइलाइटेड, अ गुड ग्लोई फेस लुक्स रियली रियली प्रिटी. सो विद अ स्मोकी आईज आपको डेफिनेटली अपने फेस को क्लीन रखना चाहिए. इट लुक्स वेरी नाइस. सो मैं इनर कॉर्नर्स पे भी अप्लाई कर लूँगी अपना हाइलाइटर. इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, उससे आपकी आईज एकदम ओपन अप लगती हैं. ऑल्सो अपनी ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर लूँगी. इट गिव्स अ वेरी नाइस अपलिफ्टिंग लुक. सो अब मैं अपनी आईज़ को कंप्लीट कर लूँगी और मैं वो ब्लैक आई शेडो लूँगी और अपनी लोअर लैश लाइन में अप्लाई करूँगी और अच्छे से उसको बफ कर दूँगी. सो अगर आप चाहो तो काजल भी अप्लाई कर सकते हो, बट मैं काजल अप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लैश लाइन में. सो गाइज आईज आर कम्प्लीट एंड वी मूव ऑन टू लिप्स. तो लिप्स मैं प्रेफर करती हूँ स्मोकी आईज़ के साथ न्यूड ही अप्लाई करना, एंड आई पर्सनली लाइक लिटिल ग्लॉसी लिप्स विद स्मोकी आईज़. बिकॉज़ अगर आपके लिप्स न्यूड होते हैं तो आपके आईज़ के ऊपर ज़्यादा अच्छा फोकस जाता है. अगर आपने इतनी मेहनत करी आईज़ के ऊपर तो डेफिनेटली उस पर फोकस जाना चाहिए. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ रेड लिप्स. सो गाइज इसी के साथ आ मेकअप लुक इज़ डन एंड कम्प्लीटेड, एंड आई थिंक स्मोकी आईज़ बहुत ही ब्यूटिफुल टर्न आउट हुए हैं. जो छोटे छोटे ट्रिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो डेफिनेटली स्मोकी आईज़ में बहुत वर्कआउट करते हैं. मैंने भी ओवर टाइम ही सीखा है स्मोकी आईज़ करना, एंड स्मोकी आईज़ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप उसको एस कर लो तो बहुत ही ब्यूटीफुल टर्न आउट होती है और एक बहुत ही वर्सटाइल मेकअप लुक है जो कि आप बहुत सारे आउटफिट्स के साथ पहन सकते हो, वेयर कर सकते हो, चाहे वो वेस्टर्न वेयर हो चाहे वो इंडियन वेयर हो. एवरीथिंग वर्क्स विद अ गुड ब्यूटीफुल स्मोकी आई. सो इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी पर्सनली ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो. ऑल्सो डोंट forget to hit the bell notification so that every time I post a video you get notified. Thanks for watching. Bye-bye.